यहाँ मैं डिस्कशन करूँगा कि क्यों SDN की ज़रूरत पड़ती है, वाई SDN इज़ नीडेड। सबसे पहले आइए हम यहाँ पर SDN का फुल फॉर्म जान लेते हैं। SDN का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। SDN का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। तो इसकी ज़रूरत आखिर क्यों पड़ती है IoT में, इस पर भी हमको डिस्कशन करना है। तो देखिए, SDN की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो भी हमारे पास कन्वेंशनल नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है, जो भी हमारे पास कन्वेंशनल नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है, उस कन्वेंशनल नेटवर्क आर्किटेक्चर में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स हैं, खामियां हैं। उन खामियों को दूर करने के लिए या उन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है SDN की, यानी कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क की। तो इस चीज़ को समझने के लिए कि कन्वेंशनल नेटवर्क आर्किटेक्चर में क्या क्या खामियां हैं या क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, हमें यह भी समझना होगा कि कन्वेंशनल नेटवर्क आर्किटेक्चर होता क्या है आखिर में। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कन्वेंशनल नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में भी बता रहा हूँ। देखिए, तो जो कन्वेंशनल नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है वो बना हुआ होता है, यानी कि बिल्ट होता है विद द स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर। अब यदि हम बात करते हैं स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर के बारे में, तो स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं। स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर के एग्जांपल हो सकते हैं यहाँ पर राउटर्स, स्विचेस, ये सारे क्या हो सकते हैं, स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर के एग्जांपल्स हो सकते हैं। इसके अलावा और भी जो नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं, जो यूज़ होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ नेटवर्किंग, उन्हें भी आप स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ये इन सारी चीज़ों को हम बोलते हैं नेटवर्क डिवाइसेस। तो जब भी हम किसी भी कन्वेंशनल नेटवर्क आर्किटेक्चर में नेटवर्क डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, तो जैसे जैसे कन्वेंशनल नेटवर्क आर्किटेक्चर में नेटवर्क का जो साइज है वो बड़ा होते जाता है, वैसे वैसे क्या होता है, नेटवर्क कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। नेटवर्क के कॉम्प्लेक्स होने के पीछे एक वजह और है कि कन्वेंशनल नेटवर्क आर्किटेक्चर में हम नेटवर्क में ज़्यादातर यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोटोकॉल्स का। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोटोकॉल्स होते हैं वो नेटवर्क में रूटिंग पर्पस के लिए यानी कि पैकेट्स की रूटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और इनका इस्तेमाल करने से, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करने से, हम इस चीज़ को अलाउ कर सकते हैं कि जितने भी इंटरकनेक्टेड रूटर्स यानी कि राउटर्स हैं, उनके जो भी ग्रुप्स हैं, यानी कि इंटरकनेक्टेड राउटर्स के जो भी ग्रुप हैं, वो शेयर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं उन नेटवर्क्स के बारे में जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो अभी तक हमने आपको यह बताया है कि कन्वेंशनल नेटवर्क आर्किटेक्चर में एक स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर यूज़ होता है, जो कि होता है राउटर या फिर स्विचेस होता है। इसके अलावा हमने आपको यह बताया है कि नेटवर्क डिवाइसेस जो कि कन्वेंशनल नेटवर्क आर्किटेक्चर में यूज़ होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। क्यों होते जाते हैं, क्योंकि उनमें यूज़ होता है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोटोकॉल्स का, उनमें यूज़ होता है। और ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है ऐसे रूटिंग प्रोटोकॉल्स जो कि इस चीज़ को लिए डेवलप किए गए थे कि अलाउ किया जा सके इंटरकनेक्टेड राउटर्स
की के द्वारा इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए ऐसे नेटवर्क्स के बारे में जिनसे कि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, यहाँ तक हमने डिस्कशन किया है। देखिए, नेटवर्क का कॉम्प्लेक्स होने का वजह सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क के साइज या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोटोकॉल से रिलेटेड नहीं है। इसके अलावा जो भी प्रोप्राइटरी हार्डवेयर या फिर इंटरफेसेस होते हैं, उनके यूज़ करने की वजह से भी जो है नेटवर्क जो है कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। यहाँ पर प्रोप्राइटरी हार्डवेयर का मतलब होता है एक ही सिंगल कंपनी का हार्डवेयर यूज़ करना। तो इससे ड्रॉबैक ये होता है कि जब हम एक सिंगल कंपनी का हार्डवेयर यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि यदि आप एक ही कंपनी का हार्डवेयर यूज़ करें तो नेटवर्क का साइज़ या तो ज़्यादा हो जाए या फिर नेटवर्क में बहुत सारे फॉल्ट हो जाए, तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें पूरे के पूरे नेटवर्क को क्लोज करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। तो प्रोप्राइटरी हार्डवेयर यूज़ करना एक तरीके से एक ऐसा अप्रोच है जो कि कभी कभी हमें घाटा या लॉस भी करवा सकता है। इसके बाद जो हमारे पास कन्वेंशनल नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ, उस कन्वेंशनल नेटवर्क आर्किटेक्चर में हमारे पास थ्री प्लेन्स होते हैं। इन थ्री प्लेन्स में से कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में कपल्ड होते हैं, यानी कि जुड़े हुए होते हैं। उन्हें आप अलग अलग ट्रीट या अलग अलग यूज़ नहीं कर सकते तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको यह बता देता हूँ कि यह कंट्रोल प्लेन क्या चीज़ है। देखिए, कंट्रोल प्लेन जो है वो नेटवर्क का पार्ट है। कंट्रोल प्लेन नेटवर्क का पार्ट है। यह एक ऐसा पार्ट है नेटवर्क का जो कि कैरी करने के साथ साथ जो कंट्रोल प्लेन है वो एक और काम करता है कि वो रूटिंग करता है मैसेज ट्रैफिक को रूटिंग करता है। यानी कि हम यह बोल सकते हैं कि कंट्रोल प्लेन एक ऐसा पार्ट है जो कि नेटवर्क का पार्ट की तरह होता है और यह कैरी करता है सिग्नलिंग की रूटिंग को और साथ ही साथ मैसेज ट्रैफिक को। अब यदि हम दूसरी तरफ देखें तो डेटा प्लेन क्या हो चीज़ होता है, तो डेटा प्लेन एक तरीके का ऐसा प्लेन है या फिर एक तरीके का ऐसा कॉम्बिनेशन नेटवर्क आर्किटेक्चर का एक ऐसा पार्ट है। यह भी इसलिए हम बोल सकते हैं कि यह भी पार्ट ऑफ द नेटवर्क है जो क्या कैरी करता है, डेटा प्लेन कैरी करता है पेलोड डेटा ट्रैफिक को। तो यहाँ तक अभी हमने फिलहाल जो डिस्कशन किया है उसके अकॉर्डिंग हमें यह पता चला है, जो मेन पॉइंट यह है कि कन्वेंशनल नेटवर्क आर्किटेक्चर में डेटा प्लेन और कंट्रोल प्लेन जो होते हैं आपस में कपल्ड होते हैं, यानी कि आप उनको ऐसा सेपरेट एंटिटी ट्रीट नहीं कर सकते, सेपरेटली उन पे वर्क नहीं कर सकते। तो अब हमें यह समझना होगा कि जो हमारे पास कन्वेंशनल नेटवर्क आर्किटेक्चर है इसके क्या लिमिटेशंस होते हैं। अभी हम समझ चुके हैं कि कन्वेंशनल नेटवर्क आर्किटेक्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हम यह समझेंगे कि कन्वेंशनल नेटवर्क आर्किटेक्चर के क्या क्या लिमिटेशंस हैं तो सबसे पहले मैं लिमिटेशंस को एक हेडिंग वाइज समझा देता हूँ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मैं इनके हेडिंग्स बता देता हूँ। देखिए, कन्वेंशनल नेटवर्क आर्किटेक्चर का जो सबसे पहला लिमिटेशन है वो है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क डिवाइसेस। और जो दूसरा लिमिटेशन है वो है मैनेजमेंट ओवरलोड मैनेजमेंट
ओवर सॉरी ये ओवरलोड नहीं है, यह ओवर हेड है, मैनेजमेंट ओवर हेड। और जो तीसरा लिमिटेशन है कन्वेंशनल नेटवर्क आर्किटेक्चर का, वो है लिमिटेड स्केलेबिलिटी। तो ये जो है ये कन्वेंशनल नेटवर्क आर्किटेक्चर के अलग अलग लिमिटेशंस हैं। देखिए अब मैं यहाँ पर कन्वेंशनल नेटवर्क आर्किटेक्चर को छोटा सा ड्रॉ करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि यह कैसे वर्क करता है। देखिए कन्वेंशनल नेटवर्क आर्किटेक्चर में सबसे टॉप में होता है जो भी हमारे पास स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर है वो होता है, जैसे कि सपोज हुआ राउटर या स्विच। इसके साथ जो रहेंगे वो रहेंगे ऐप, यानी कि यह एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि यह एक एप्लीकेशन लेयर हो सकता है। ये अलग अलग ऐप्स हैं, ठीक है। इसके बाद जो सेकेंड प्लेन है कन्वेंशनल नेटवर्क आर्किटेक्चर का, वो कहलाता है आपका कंट्रोल प्लेन। और जो सेकेंड उसके बाद जो थर्ड प्लेन है वो कहलाता है आपका डेटा प्लेन। तो यहाँ पर कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन जो है आपस में जुड़े हुए रहते हैं। कन्वेंशनल नेटवर्क आर्किटेक्चर में यदि आपको किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन करना है डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में, तो आपको इस तरीके का आर्किटेक्चर फॉलो करना पड़ेगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कन्वेंशनल नेटवर्क आर्किटेक्चर। यहाँ पर कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन को मैंने वीडियो की शुरुआत में पहले ही डिस्क्राइब किया है, फिर भी मैं इसको शॉर्ट में एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कंट्रोल प्लेन जो होता है वो रिफ़र करता है ऐसे सारे फंक्शंस को और प्रोसेसेस को जो कि ये डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा पाथ हमें यूज़ करना है पैकेट या फ्रेम को सेंड करने के लिए। और जब हम बात करते हैं डेटा प्लेन के बारे में, तो डेटा प्लेन जो है नेटवर्क का ऐसा पार्ट होता है जो कि कैरी करता है यूज़र के ट्रैफिक को। अब मैं यहाँ पर वापस लौटता हूँ कन्वेंशनल नेटवर्क आर्किटेक्चर के लिमिटेशंस पे। तो जब मैं यहाँ पर बात करूँगा कन्वेंशनल नेटवर्क आर्किटेक्चर के लिमिटेशंस के बारे में, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जिस लिमिटेशंस की बात करूँगा उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क डिवाइसेस। ठीक है, देखिए अब जो यदि मैं बोलता हूँ कि कन्वेंशनल नेटवर्क आर्किटेक्चर में कॉम्प्लेक्स नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं, इसका मतलब यह है कि जब भी मैं यूज़ करता हूँ एक कन्वेंशनल नेटवर्क आर्किटेक्चर को, तब वो क्या होने लगता है, वो लगातार कंटिन्यूसली क्या होने लगता है, वो कॉम्प्लेक्स होने लगता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स होने लगता है। अब इसमें कॉम्प्लेक्स होने की वजह क्या है, इसमें कॉम्प्लेक्स होने की एक वजह यह है कि जैसे जैसे हमारे नेटवर्क का साइज बड़ा होते जाता है, जैसे जैसे हमारे नेटवर्क का साइज बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे हमें क्या ज़रूरत पड़ती है कि हमको लिंक की स्पीड और रिलायबिलिटी जो है वो हमें इम्प्रूव करना है। तो इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास कन्वेंशनल आर्किटेक्चर में जो भी नेटवर्क होता है उसमें हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटोकॉल्स को ऐड करते चले जाते हैं। ठीक है, तो ऐड करने से ठीक है वो ऐड तो हो जाएगा, ठीक है, ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं, आपके प्रोटोकॉल्स तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन जब मैक्सिमम प्रोटोकॉल्स ऐड होते चले जाते हैं तो उस वजह से क्या होता चला जाता है कि जो इंटर ऑपरेबिलिटी का मतलब होता है डिवाइसेस के बीच में ऑपरेशन करने की जो फैसिलिटी रहती है, डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन करने या ऑपरेशन करने की जो फैसिलिटी रहती है,
वो फैसिलिटी क्या होती चली जाती है, लिमिटेड हो जाती है। वो फैसिलिटी क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। लिमिटेड इसलिए हो जाती है क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल्स यूज़ कर लोगे, जब आप बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल्स यूज़ कर लोगे तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड और ओपन इंटरफेसेस, स्टैंडर्ड और जो ओपन इंटरफेसेस हैं वो क्या होते चले जाएंगे, वो ओपन इंटरफेसेस क्लोज होते चले जाएंगे, और स्टैंडर्ड्स जो है क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपने बहुत सारे प्रोटोकॉल्स यूज़ कर लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और जो मेन बात है वो ये है कि जो भी हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं, वो मैक्सिमम केसेस में यूज़ करते हैं प्रोप्राइटरी हार्डवेयर। का मतलब होता है किसी एक ही कंपनी का हार्डवेयर यूज़ करना। तो प्रोप्राइटरी हार्डवेयर यूज़ करने के साथ साथ प्रोप्राइटरी वहाँ पर सॉफ्टवेयर भी यूज़ होने लगता है। जब एक ही कंपनी का हार्डवेयर भी होगा तो उस केस में क्या होगा, जिस भी प्रोडक्ट के लिए हम लाइफ साइकिल डिज़ाइन करेंगे उस लाइफ साइकिल में क्या हो जाएगा, जो हमारा इनोवेशन रहेगा, यानी कि जितना हम इनोवेशन कर सकते थे वो इनोवेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक बात और है कि जो हमारे पास कन्वेंशनल नेटवर्क्स हैं वो ज़्यादातर सूटेबल होते हैं एक स्टैटिक ट्रैफिक पैटर्न के लिए, यानी कि जो भी ट्रैफिक आ रहा है ज़्यादा डायनेमिक नहीं है, ज़्यादा उसमें अप्स एंड डाउन्स नहीं हैं, तो उस तरीके के स्टैटिक ट्रैफिक पैटर्न के लिए जो हमारा कन्वेंशनल नेटवर्क है वो ज़्यादातर सूटेड होता है। और इसके अलावा जो भी कन्वेंशनल नेटवर्क्स में हम प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं वो प्रोटोकॉल्स जो हैं इस तरीके से डिज़ाइंड होते हैं कि वो ज़्यादातर किसी न किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस पे ही वर्क करेंगे। लेकिन यदि आप कन्वेंशनल नेटवर्क को IoT में यूज़ करने की कोशिश करोगे तो क्या हो सकता है, आपके लिए दिक्कत आ सकती है। ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि हमारे पास जो IoT एप्लीकेशंस होते हैं वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में डिप्लॉयड होते हैं जो कि स्टैटिक नहीं होता है, जो कि लगातार बदलता रहता है, और यह जो इन्वायरमेंट होता है वो कहलाता है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट कहलाता है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट में जो रहता है आपका ट्रैफिक पैटर्न, जो भी आपका ट्रैफिक पैटर्न रहता है डायनेमिक रहता है, बिल्कुल भी फिक्स नहीं रहता है, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि लगातार बढ़ता रहेगा, कभी कभी ऐसा रहेगा कि लगातार डाउन भी होता रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा जो भी हमारे पास कन्वेंशनल नेटवर्क के डिवाइसेस हैं उस कन्वेंशनल नेटवर्क के डिवाइसेस में क्या होती हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है। और यदि आप उनमें कोई भी चेंज करने की कोशिश करोगे, यानी कि आप कन्वेंशनल नेटवर्क डिवाइसेस में कोई भी चेंज करने की कोशिश करोगे और वो चेंज इसलिए होगा कि आप डायनेमिक ट्रैफिक पैटर्न के अकॉर्डिंग उस नेटवर्क को अप्लाई कर पाओ, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उस तरह के डिवाइसेस को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है ये एक पहला लिमिटेशन है कन्वेंशनल नेटवर्क आर्किटेक्चर का, जिसकी वजह से हमें सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क को यूज़ करना पड़ता है। आने वाले वीडियोस में हम कन्वेंशनल नेटवर्क आर्किटेक्चर के और अदर लिमिटेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसकी वजह से हमें यूज़ करना पड़ता है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क को।